हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डाइस पे सम्स किए थे, आज हम कार्ड्स पे सम्स करेंगे। सो उससे पहले हम लोग कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि कार्ड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। ओके, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स दो भागों में डिवाइड होता है। एक रेड होते हैं, ये 26 कार्ड होते हैं, एंड 26 कार्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक। सो रेड कार्ड्स में 13 करके डिवाइड होता है, 13 कार्ड्स होते हार्ट के, एंड 13 कार्ड्स कितना होते डायमंड के, डायमंड। ओके, हार्ट्स बना रहता है दिल के शेप में, एंड डायमंड ऐसा रहता है कार्ड्स में आपका। एंड ब्लैक कार्ड्स में ये भी दो पार्टों में 13 कार्ड्स होते हैं क्लब, एंड 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड। ओके, तो क्लब ऐसा बना रहता है एंड स्पेड ऐसा रहता है। ओके, सो टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। तो 26 रेड में 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, एंड ब्लैक में 13 क्लब के होते हैं, एंड 13 स्पेड कार्ड होते हैं। अभी इसके बावजूद अभी 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट आता है किंग, एक का रहता पहला जिसको हम लोग एस कार्ड बोलते हैं। ओके, एस कार्ड, उसके बाद किंग, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक, उसके बाद हमारा नंबर रहता है 2, 3, 4 अप टू 10 तक रहता है। ओके, तो कौन कौन से कार्ड होते हैं, एस कार्ड जिसको एक्का बोलते हैं, उसके बाद किंग, फिर क्वीन, जैक, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल कार्ड्स होते 13 कार्ड्स। ओके, सेम अभी डायमंड के अंदर भी वही सेम होता है, एस कार्ड, फिर किंग, क्वीन, जैक, फिर 2, 3, अप टू 10। क्लब में भी सेम होता है, एस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्पेड में भी सेम रहता है, एस, किंग, क्वीन, जैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये 13 कार्ड्स हो गए टोटल। अभी 13 फोर जा 52 होता है। सो एस कार्ड को हम लोग एक्का बोलते हैं, जो वन नेता हमारा एक्का। ओके, तो अभी क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर कितने किंग होते हैं। अभी किंग कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4। एस कार्ड कितने होते, कितने होते, चार होते हैं, 1, 2, 3, 4। क्वीन भी चार होते हैं, जैक भी चार होता है, मीन सब कार्ड्स का चार चार होता है। अभी इसमें से क्वेश्चन पूछता है फेस कार्ड, फेस कार्ड में जिसके ऊपर फेस बन रहता है, तो फेस किसके ऊपर बना रहता है, किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर, एंड जैक के ऊपर, ये तीनों कार्ड के ऊपर फेस कार्ड होते हैं। तीनों कार्ड के ऊपर क्या बना रहता है, फेस। तो 3, 3, एंड 3, एंड 3, तो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 12 कार्ड्स होते हैं, 3, 3, 3 प्लस 3, 6, 9, 12। ओके, 12 कार्ड्स कितने क्या होते, फेस कार्ड 12 होते हैं, एंड ये 13 कार्ड्स होते हैं। आइए देखते हैं सम कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मीन्स हमने एक पैक लिया कार्ड्स का, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसको रैंडमली हमने ड्रॉ किया। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो कंडीशन क्या दिया है, एन एस रहना चाहिए, एंड देन सेकंड कंडीशन ए हार्ट कार्ड, थर्ड कंडीशन क्या है, किंग ऑफ हार्ट्स। ओके, सो हम लोग को कभी भी सैम्पल स्पेस बनाना रहता है, तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट 1, 2, 3 अप टू 52 का ऐसा करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग लेंगे लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड डायरेक्ट लिख देंगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। इसके अंदर हम लोग एस इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 52 ऐसा करके नहीं लिखने वाले। ओके, तो सो फर्स्ट कंडीशन ये हमने इवेंट ए ले लिया। ओके, इवेंट ए क्या था हमारा, एन एस कार्ड। ओके, एन एस कार्ड इज ड्रॉन। अभी एस कार्ड कितने होते,
मैंने अभी क्या बताया था, एस कार्ड कितने होते हैं, फोर, मीन्स स्पेड में, हार्ट में, डायमंड में एंड क्लब में, सब में एक 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 का होता है। ओके, तो टोटल कितने एक के होते हैं, चार एक का होता है, हिंदी में एक का बोलते हैं उसको, इंग्लिश में एस कार्ड बोलते हैं। ओके, तो कितने होते हैं, चार होते, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू फोर। ओके, बाय डेफिनेशन अभी फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ये हमने पिछले सब में किया है जिसमें डाइस में किए थे। ओके, नंबर ऑफ ए कितना मिला, फोर, नंबर ऑफ एस कितना मिला है, 52, एंड इसको कट करेंगे, 4 13 जा 52, ओके, तो 1 डिवाइड बाय 13 हमको मिल गया। एंड इवेंट भी कितना क्या दिया है, ओके, इवेंट भी क्या दिया, आ हार्ट कार्ड इज ड्रॉन। हार्ट कार्ड क्या होता है, जो हार्ट कार्ड मैंने बताया सभी 13 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट कार्ड भी 13, क्लब, डायमंड एंड स्पेड सभी 13 कार्ड्स होते हैं, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13। ओके, इसमें डायरेक्ट कुछ सोचने वाली बात नहीं है। देन बाय डेफिनेशन सेम, यहाँ पे बी इवेंट लिए तो नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी कितना मिला, 13, सो 13 डिवाइड बाय 52, तो इसको कट करेंगे, 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है, तो 1 डिवाइड बाय 4। एंड लास्ट वन इज अ किंग ऑफ हार्ट्स इज ड्रॉन, ये इवेंट सी लेंगे इसको। अभी किंग ऑफ हार्ट बोला इसने, हार्ट के अंदर कितने किंग होते, ओनली वन। ओके, अभी सब पत्ते हार्ट के अंदर, स्पेड के अंदर एंड क्लब एंड डायमंड सब के अंदर कितने कितना किंग होता है, एक ही होता है, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा, हार्ट्स के बारे में पूछा, हार्ट के अंदर कितने किंग होते हैं, तो ओनली वन होता है, तो नंबर ऑफ सी कितना क्या मिल गया, वन। तो सेम नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू वन डिवाइड, ये नंबर ऑफ सी कितना है, वन, एंड नंबर ऑफ एस कितना है, 52, तो 1 डिवाइड बाय 52 ये हमारा आंसर हो गया। सो आपको ये याद रखना है कि एस कार्ड कितने होते हैं, 1 2 3 4, किंग कितने होते हैं, 1 2 3 4, एंड हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स, हार्ट में 13, डायमंड में 13, क्लब में 13, स्पेड में 13, सबके अंदर 13 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, और कौन कौन से कार्ड होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वन को एक्का बोलते हैं, एंड किंग क्वीन जैक, ये तीनों में सेम आते हैं। ओके, एंड उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीनों में, चारों में सेम आते हैं। ओके, तो अगर ये आपको अगर याद रहेगा तो सम इजीली कर लोगे आप लोग। ओके, सेकंड सम मैंने लिया, ये सब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सम है, पेज नंबर 250 है मनन प्रकाशन के बुक से। ओके, वहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक कार्ड्स। ओके, अभी सेम कार्ड ड्रॉ करेंगे 52 कार्ड्स का, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़, ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। कंडीशन दिया अ रेड कार्ड, ओके, अ जैक, अ ब्लैक क्वीन, द नंबर ऑन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एंड फिफ्थ कंडीशन क्या दिया, अ रेड पिक्चर कार्ड। ओके, अब इसको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सेम लिखेंगे, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। अभी इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ एस हम लोग लिख देंगे, एंड यहाँ पे लेट एस करके कंपलसरी है, सबके सब जो भी कार्ड्स का सम आएगा आपको ये दोनों लाइन लिखना कंपलसरी है। ओके, तो सो फर्स्ट कंडीशन क्या था, रेड कार्ड। ओके, तो यहाँ पे इवेंट ए लेंगे, लेट इवेंट ए, अ रेड कार्ड इज ड्रॉन, रेड कार्ड ड्रॉन, रेड कार्ड टोटल कितने होते, 26 होते अभी, एंड 26 क्या होते, ब्लैक होते। ओके, तो नंबर ऑफ ए क्या मिल जाएगा, 26। तो सेम बाय डेफिनेशन फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए कितना मिला, 52, सो 26 है, तो 26 डिवाइड बाय 52, इसको कैंसिल करेंगे, हाफ ऑफ 13 के टेबल में आते हैं, 13 2 जा 26 एंड 4 जा, ओके, 2 डिवाइड बाय 4 मिला, तो 2 2 जा 4, तो 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका प्रोबेबिलिटी मिल गया। ओके, सेकंड कंडीशन क्या दिया था, अ जैक, जैक कार्ड इज ड्रॉन। ओके, यहाँ पे इवेंट आपको लिखना है, सब में इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी करके आपको लिखना है, अ जैक इज ड्रॉन। अभी जैक कार्ड कितने होते टोटल, सब कार्ड के अंदर एक एक जैक होता है। ओके, तो टोटल कितने जैक हो गए, 4, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड्स है, सो सबके अंदर एक एक जैक होता है, तो टोटल जैक बोला इसने। ओके, किसी पर्टिकुलर कार्ड्स का नहीं बोला कि हार्ट का बताओ जैक या डायमंड का जैक बताओ, ऐसा नहीं बताया, डायरेक्ट जैक कार्ड बोला, मीन्स चार चार जैक होते, तो चार नंबर ऑफ बी क्या मिल गया, 4। ओके, बाय द डेफिनेशन सेम, यहाँ पे ए था तो ए लिया, यहाँ पे बी है तो बी लेंगे। ओके, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी कितना मिला है, 4। ओके, सो 4 डिवाइड बाय 52,
सो 4 डिवाइड बाय 52 कैंसिल करेंगे तो 13 मिलता है, तो क्या मिला 1 डिवाइड बाय 13। ओके सो आपको याद रखना है कैसे वो। एंड थर्ड कंडीशन, अ ब्लैक क्वीन ड्रॉन। अब ब्लैक कार्ड में क्वीन कितने होते हैं, 2। 2 क्वीन ब्लैक में होंगे क्योंकि टोटल कार्ड्स 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो इसके अंदर 2 क्वीन आ गए, इसके अंदर 2 क्वीन आ गए। सो ब्लैक कार्ड्स में क्वीन कितने होंगे, 2 कार्ड्स। ओके तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 2, टोटल हमारे पास 4 क्वीन है ना, 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर, तो सिर्फ ब्लैक, इसने ब्लैक क्वीन पूछा है तो ब्लैक के अंदर ओनली 2 क्वीन होते हैं, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 2। देन बाय द डेफिनेशन सेम, नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सी कितना मिला 52 एंड नंबर ऑफ एस कितना है 52, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 226 जा 1 डिवाइड बाय 26, आपका ये आंसर आ गया। डायरेक्ट आपको इसके अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट नंबर ऑफ सी लिख देना है एंड यहाँ पे इवेंट करके आपको लिखते जाना है, कंपलसरी है लिखना। ओके जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन लिख देंगे, नंबर ऑफ सी डायरेक्ट करके फॉर्मूला करके लिख देंगे डैश से, ये सिंपल है अगर आपको कार्ड्स के बारे में जानकारी है तो, डैश से इजी पड़ता है। ओके सो फोर्थ कंडीशन क्या दिया था, द नंबर ऑन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है, 3 होता है, 6, 9 एंड 12। सो इसके टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, सो 3 खुद होता है। ओके उसके बाद 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, तो 6 को सर्कल कर लेते हैं। ओके उसके बाद क्या आता है, 9 आता है, तो 9 को सर्कल कर लेते हैं, है ना। तो 3 के टेबल में कितना आते हैं, 3 2 6 3 3 9, तो मैंने उस नंबर को सर्कल कर लिया, तो इसमें 3 है, 3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सो सेम यहाँ पे नंबर ऑफ डी क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो बाय द डेफिनेशन सेम यहाँ पे डी है। ओके तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो 12 डिवाइड बाय 52, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, तो 3 डिवाइड बाय 13 आपका आंसर आ गया। ओके एंड फिफ्थ कंडीशन क्या दिया है, रेड कार्ड इज रेड पिक्चर कार्ड ड्रॉन। अब रेड पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड क्लब के अंदर, ओके रेड के अंदर पूछा है, रेड के अंदर पिक्चर कार्ड 1 2 3 1 2 3 कितने होते हैं, टोटल 6 कार्ड्स होते हैं जो पिक्चर कार्ड हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 6। ओके टोटल 12 होते हैं रेड एंड ब्लैक मिला के, तो सिर्फ रेड का पूछा है, ओके रेड कार्ड का पूछा है, तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, सो 6 डिवाइड बाय 52, तो सेम 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे 26 आएगा, तो 3 डिवाइड बाय 26 आपका आंसर हो गया। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 या 3 कंडीशन ही देगा, यहाँ पे टोटल 5 कंडीशन मैंने कराया है। ओके सो ये पेज नंबर 250 मनन प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 7, जो प्रीवियस सम था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके सो क्वेश्चन इज सेम, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। अब यहाँ पे स्पेड कार्ड दिया है, सेकंड कंडीशन एस ऑफ स्पेड्स एंड थर्ड कंडीशन है स्पेड और ए हार्ट और फोर्थ कंडीशन क्या दिया है, अ पिक्चर कार्ड। सो यहाँ पे सेम सॉल्यूशन में लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। अभी फर्स्ट कंडीशन दिया है स्पेड कार्ड इज ड्रॉन। ओके यहाँ पे इवेंट आप लिखते जाओगे तो स्पेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 13, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 13। देन सेम बाय द डेफिनेशन फार्मूला 13 डिवाइड बाय 52, ये 1 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर आ गया। एंड सेकंड कंडीशन दिया है आई एस कार्ड ऑफ स्पेड इज ड्रॉन। अभी स्पेड कार्ड का एस, स्पेड कार्ड का एक का ओनली वन होता है, वैसे 4 एक के होते हैं स्पेड के, क्लब के एंड डायमंड के, लेकिन सिर्फ स्पेड का एक का पूछा है, एस पूछा है, तो ओनली वन होता है, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो देम सेम फार्मूला एन ऑफ बी 1 डिवाइड बाय 52। ओके थर्ड कंडीशन क्या दिया, अ स्पेड और ए हार्ट इज ड्रॉन। अभी स्पेड एंड हार्ट कार्ड दोनों कार्ड पूछा साथ में, तो ये 13 होता है, ये 13 होता है, टोटल कितने हो गए, 26 हो गए, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 26। देन बाय द डेफिनेशन सेम पी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ सी 26 डिवाइड बाय 52, इसको कैंसिल करेंगे, हाफ हाफ करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, तो 2 डिवाइड बाय 4, इसको सेम कट करेंगे तो 2 टूट जा 4, तो 1 डिवाइड बाय 2 ये आपका आंसर आ गया।
एंड देन फोर्थ कंडीशन इज अ पिक्चर कार्ड इज ड्रॉन. तो पिक्चर कार्ड टोटल मैंने बताया आपको 12 होते हैं, रेड के अंदर 26 होते सॉरी 6 होते एंड ब्लैक के अंदर 6 कार्ड्स होते, तो टोटल कितने हो गए 12 कार्ड्स हो गए. तो सेम बाय द डेफिनेशन 12 डिवाइड बाई 52, अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो 13, तो 3 डिवाइड बाई 13. सो आपको इसमें से किसी भी डायमंड का पूछ सकता है, स्पेड का, क्लब का, किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा करके सेम. एंड इसका डायमंड का एक का या डायमंड का सिर्फ फेस कार्ड, तो डायमंड में सिर्फ फेस कार्ड कितने होते हैं 3 कार्ड्स होते हैं. अगर वो पूछ लिया ब्लैक कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होते हैं तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6 कार्ड्स ओके. या चारों का एक का पूछ सकता है या किंग पूछ सकता है चारों का, तो टोटल 4 एस, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 जैक ऐसा करके बाकी सब नंबर्स हैं. तो नंबर यहाँ पे 4 का मल्टीपल भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीपल पूछा था तो 3 6 9 आया था, तो 3 3 3 3 9 12 हो गया था. उससे अगर 4 का मल्टीपल पूछा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का टेबल मल्टीपल क्या होता है 4 1 4 4 2 8 होता है. तो हम लोग 4 लेंगे एंड उसके बाद फिर 8 नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी सेम 2 आएगा, 4 8 4 8 एंड 4 8. टोटल कितने सर्कल हो गए 2 2 2 2, कितने हो गए 8 कार्ड्स हो गए ओके. अगर 4 का मल्टीपल लेते हैं तो 8 कार्ड, वैसे सेम 5 का मल्टीपल पूछ सकता है, 2 का मल्टीपल पूछ सकता है ओके. बाकी जैक को ये ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स करके पूछ सकता है. तो आपको ये या अगर याद हो गया तो किसी भी टाइप का अगर आपके पास ऐसा कार्ड्स का सम आ गया तो आप इजीली कर लोगे इसको ओके. तो ध्यान से इसको याद कर लो कि हाँ कौन कौन से कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से 26 रेड 26 ब्लैक कार्ड एंड जो जोकर होते हैं उनको तो साइड लिया जाता है. ये जैक मतलब क्या होता है, गुलाम कार्ड होता है ओके, जो हम लोग गुलाम बोलते हैं हिंदी में ओके. तो इसको कर लो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो शेयर कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए.